हिंदू धर्म में अहिंसा को सबसे परम धर्म माना गया है, लेकिन वह हिंसा जो अत्याचारी से अपनी रक्षा के लिए ना की गई हो उसे सबसे बड़ा अधर्म माना जाता है और मांस का भोजन इसी प्रकार की हिंसा से प्राप्त होता है। इस तरह हिंदुओं के लिए मांस खाना सबसे बड़ा पाप माना जाता है। मांस भक्षण को लेकर महाभारत में घोर निंदा की गई है। महाभारत में कई ऐसे श्लोक हैं जो मांस न खाने के आदेश देते हैं। आइए जानते हैं उन श्लोकों और उनके अर्थों के बारे में। महाभारत में इस श्लोक का अर्थ है कि जो व्यक्ति दूसरों के मांस से अपना मांस बढ़ाना चाहता है उससे बढ़कर नीच और निर्दयी मनुष्य दूसरा कोई नहीं हो सकता। महाभारत के श्लोक का अर्थ है कि जो व्यक्ति मांस का त्याग कर देता है वह सब प्राणियों में आदरणीय, सब जीवों का विश्वसनीय और सदा साधुओं से सम्मानित होता है। बृहस्पति महाराज जी महाभारत में कहते हैं कि जो व्यक्ति मद और मांस का त्याग कर देता है वह दान देता है, यज्ञ करता है और तप करता है। इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति को इन तीनों चीजों का लाभ मिलता है। इस श्लोक का अर्थ है कि मनीषी पुरुष अहिंसा रूप परम धर्म की तारीफ करते हैं। जैसे व्यक्ति को अपना प्राण प्रिय होता है वैसे ही सभी प्राणियों को अपने अपने प्राण प्रिय होते हैं। इस श्लोक का अर्थ है मांस ना तो घास से, ना लकड़ी से या फिर ना तो पत्थर से पैदा होता है। मांस प्राणी की हत्या करने पर ही मिलता है, इसीलिए मांस खाने में दोष है, इसीलिए हमें मांस भक्षण नहीं करना चाहिए। जय श्री कृष्णा।